खरगोन प्रशासन ने एक बार फिर शासकीय जमीनों की अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान छेड़ दिया है। शुक्रवार को शहर के दो स्थानों पर कार्यवाही कर 4 करोड़ रुपए मूल्य की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया। दोपहर 12:30 बजे SDM मिलिंद ढोके प्रशासनिक और नगरपालिका अमले के साथ सनावत रोड स्थित सरस्वती कॉलोनी पहुंचे। यहां कॉलोनाइजर अशोक परसाई द्वारा कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर बनाए मकान को अतिक्रमण बताते हुए प्रशासन ने JCB की मदद से ढहा दिया। कार्यवाही के दौरान कार्यालय पर ताला लगा होने से JCB की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। कार्यालय में रखे टेबल कुर्सी आदि फर्नीचर निकाला गया। इस दौरान कॉलोनाइजर के रिश्तेदार भी पहुंचे। उन्होंने बिना नोटिस कार्यवाही का हवाला दिया, लेकिन मौजूद अफसरों ने कार्यवाही जारी रखी। करीब 1 घंटे चली कार्यवाही के बाद अमला उमरखली रोड अयोध्या बस्ती पहुंचा। यहां करीब 40x40 की अशासकीय जमीन पर निर्माण कर उसे वृद्धाश्रम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां भी प्रशासन ने पहुंचते ही कार्यवाही शुरू की। SDM ने बताया दोनों जमीनों की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।